हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आलियोस प्रेजेंट। फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हो कि आप अपने यूट्यूब थंबनेल में, जैसे कि मैं देख पा रहे हो कि मेरी फ़ोटो के ऊपर जो व्हाइट कलर की पट्टी लगी हुई है, कि आप भी चाह रहे हो कि आपके आपके थंबनेल में ये व्हाइट कलर की पट्टी लगे? अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर दो आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगा। फ्रेंड्स, मैंने ये पिक्सल लैब की सहायता से बनाया है, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना हुआ। अगर पिक्सआर्ट ऐप का यूज़ करेंगे ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिलहाल पिक्सल ऐप से भी आप बहुत अच्छा बना सकते हो अगर वीडियो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग से बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं और आपको समझाते हैं कि आप कैसे अपनी फोटो के ऊपर फीचर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम अपने पिक्सल ऐप को ओपन कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको राइट साइड में देखिएगा 3 डॉट दिख रहे हैं। आप फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 3 डॉट पे जाके आपको इमेज साइज का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपको ये इमेज साइज का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करके इसका इमेज साइज ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप 3 डॉट पे जाके यहाँ पे जो आपको बुंदी ऐसी दिख रही है, कस्टम के साइज पे जो बुंदी ऐसी दिख रही है, आपको यहाँ से YouTube थंबनेल ओके कर लेना, यहाँ से ओके करना है तो आपका साइज जो YouTube थंबनेल का बन जाएगा। अब फ्रेंड्स, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है फोटो बनाने के लिए। आपको सामने ये ऑप्शन दिख रहा है, जो ये वाला, आप सिंपल इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऊपर ये दो ऑप्शन दो दिख रहे हैं, स्टिकर्स दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है इम्पोर्ट का ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसे इम्पोर्ट पर जाएंगे, इम्पोर्ट पर जाने के बाद में आप सीधा अपने गैलरी फाइल में जाएंगे, आप सीधे ऊपर करेंगे आपके सामने गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है। आप सिंपल जैसे गैलरी पर जब क्लिक करेंगे तो आप सिंपल अपने मोबाइल में पहुंच जाएंगे। तो मैं यहां से फ़ोटो ले लेता हूं, जैसे मैं व्हाट्सअप फ़ोटो पे जा रहा हूं और मैं अपनी किसी भी फ़ोटोज़ के ले ले रहा हूं, जैसे कि आपको करके दिखा रहा हूं अभी। जैसे मैंने अपनी इस फ़ोटो को ले लिया है और इसे लेने के बाद में अब इसे थोड़ा इस साइज में मैं इसे सेट कर ले रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमारी फ़ोटो यहां पे आ चुकी है। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इसे थोड़ा इस साइज के जो ऑप्शन दिखे थोड़ा ऊपर बढ़ा देना है और थोड़ा ऊपर बढ़ा देना है। ऊपर बढ़ा देने के बाद में आपको सिंपल इस टाइप जो इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, आप क्या कर दीजिए, इरेजर पर आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सिंपल इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे अब आप उस पर पहुँच गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, ये जो फ़ोटो आपकी दिख रही है जैसे मैं कर रहा हूँ सब सेम इस तरीके से आपको भी करना है। अपनी फ़ोटो के ऊपर इस तरह से आपको घुमा लेना है, ठीक है। और घुमाने के बाद में मैं थोड़ा इसे काट दे रहा हूँ, ठीक है। अपनी फ़ोटो के ऊपर इसे अच्छे से घुमा देना है आपको, और अच्छे से घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल जो आपको इस तरफ ये वाली दिख रही है ये वाली, ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिंपल इस पर ओके करना है। आप ओके को आप अच्छे से, मैंने नहीं हटा पाया है, आप इसे अच्छे से जब हटाओगे पूरा अच्छे से हट जाएगा। अगर यहाँ से नहीं भी हटता है तो आपको एक ऑप्शन ये दिख रहा है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप सिंपल जब इस पर ओके करोगे, इस पर ओके करने के बाद में आपके सामने ये दिख रहे हैं। आप क्या करिए, इसे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है या ये वाला, ठीक है, आप इसे थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से जब आप इसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा और मोटा टाइप का हो जाएगा। और जो आपको एक ये ऑप्शन इस टाइप दिख रहा है ये वाला, आपको क्या करना है, इसे थोड़ा बड़ा कर देना ताकि आपको पकड़ने में आराम जाए, ठीक है। अब क्या करिए, आप सिंपल जो नीचे आपको ये वाइट कलर की दिख रही है, आपको सिंपल इस पर उंगली रख के, ठीक है फ्रेंड, इस पर उंगली रख के आप इसे हटाइएगा। तो ऊपर आप देख पा रहे हो, ये ऊपर देखो जहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ से ऊपर आप देख पाओगे कैसे हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा इसे वीडियो को पॉज करके मैं इसे थोड़ा अच्छे से सेट कर लेना, उसके बाद मैं वीडियो को फिर से स्टार्ट कर रहा। तो फ्रेंड्स, मैंने फोटो को सेट कर दिया है। अब कोई खास अच्छा नहीं सेट कर पाया हूँ आपको वीडियो बताने के जल्दी जल्दी में, फिलहाल मैंने थोड़ा कुछ सही कर दिया, ठीक है। अब आपको सिंपल यहाँ पे सही का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से इसे सही कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आपकी फ़ोटो का जो भी कुछ बैकग्राउंड था वो सारा हट चुका है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो साइड से आपको दिख रहे हैं आपको क्या करना है, सिंपल स्टॉक का ऑप्शन जो दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड, आपको स्टॉक के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ से इनेबल करोगे, आप किसी भी कलर को चूज़ कर लीजिएगा। जैसे देखिए मैंने इस कलर को ले लिया है। अब आप चाहिए तो रेड कलर का ले सकते हो, या चाहिए तो आप वाइट कलर का ले सकते हो, या काला ब्लैक ले सकते हो, या वाइट कलर का ले सकते हो। देखिए फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, नीचे आपको देखिए साइज दिख रहे हैं, ठीक है। आप इसे मोटा पता भी करते, जैसे मैं आपको देखो मोटा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना मोटा होता जा रहा है, कितना मोटा, ठीक है। जितना आपकी मर्जी हो उतना आप रख सकते हो। इतनी मैं इसे फिलहाल तो कम करना चाहूँगा, तो आप इसे कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे आप जैसे कम कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा कम कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से आप थोड़ा हल्का और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक। इस टाइप का आप रखिएगा, आप इसे आप सिंपल सही कर दीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा आगे और बढ़ा देना है। और बढ़ाने के बाद में आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से शेडो का, आपको क्या करना है, शेडो पर क्लिक करना है।
सर्वे करने के बाद इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद में आप क्या करना, अगर यहाँ पे आपने व्हाइट कलर की लगाई है तो आप दूसरे कलर का शेडो लगाइएगा, जैसे मैं चलो रेड कलर का लगा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिएगा रेड कलर का शेडो बाहर लग गया हुआ है, ये कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि अगर आप पिक्सआर्ट से या आप अच्छे तरीके से करोगे तो आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया तो अच्छा नहीं, और आप सिंपल इसे जहाँ चाहेंगे वहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा करने के बाद में आप, ठीक है, अब इसे ये देखिए सेट हो चुका है। अब आप यहाँ से अपना टेक्स्ट कुछ भी, जैसे कि टेक्स्ट पे डाल के, अब यहाँ पे एडिट पे डाल के, अब मैं अपने चैनल का या मैं अपना ही नाम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। मैंने अपना नाम देखिए अभिषेक डाल दिया, यहाँ पे आप जैसे ओके करोगे तो इसे उठा के मैं इधर ले आ रहा हूँ, और सिंपल आपको ये साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ से इसे कितना भी छोटा बड़ा किसी भी कलर का, मतलब आप इसे कर सकते हो। जैसे देखो मैंने इतना बड़ा साइज कर लिया, इसे सिंपल सही कर दीजिएगा। और आपको इधर तरफ कलर का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे इसका कलर भी कर सकते हो, यहाँ से सही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, और आपको क्या करना है, इस साइड में जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, फिलहाल मैंने मुझे इस वीडियो में सिर्फ फोटो के बारे में बताना था, लेकिन मैंने टेक्स्ट का भी बता दिया, कोई बात नहीं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है कलर का, ठीक है फ्रेंड्स। आप सिंपल जैसे कलर पर करोगे तो आपके सामने कई सारे कलर्स आ जाएंगे, जैसे कि मैं चलिए रेड कलर को बैक ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड हो गया, आप यहाँ से सिंपल से सही कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये बात यहाँ पे आती है कि इतना सबको पता है, अब ये बताइए कि फोटो को सेव कहाँ से करेंगे। तो फ्रेंड्स ऊपर आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा है ये शेयर का, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने सेव टू गैलरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हो। जैसे ही आपकी फोटो सेव हो जाएगी, आप सेव हो गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने और कि अपने टेक्स्ट को जो मैंने टेक्स्ट किया या अभिषेक नाम किया, इसके रिलेटेड मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, अभी अपलोड भी कर चुका हूँ, वो ऊपर आपको आई पसंद मिल जाएगी, अब वहाँ से परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये कुछ सी वीडियो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट और कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि वीडियो मेरी कैसी लगी है। अगर आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।